मेरी न्यूज़ दुबई की तरफ से सब नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। इस चैनल पर जो हजरात नए हैं उनसे दरख्वास्त है चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर यूएई की खबर से बाखबर रह सकें। शेख मोहम्मद बिन जैद चीन में पहुंच गए। वो बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स के सिलसिले में होने वाली तकरीब में शरीक होंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात ने कोरोना कवानीन में मजीद नरमी कर दी। अब आपको अल हसन ऐप पर ग्रीन स्टेटस के लिए पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं। इससे कबर कोरोना मुस्बत वाले मरीजों को ग्रीन स्टेटस के लिए 24 घंटे के वक्फे से 2 पीसीआर टेस्ट की मनफी रिपोर्ट दिखाना होती थी। तफसीलात के मुताबिक अबू धाबी में कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल कर लेने वाले अफराद को अल हसन ऐप पर दोबारा ग्रीन स्टेटस बहाल करने के लिए पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। नई अपडेट के मुताबिक लेट स्टेटस अल हसन ऐप पर आने के बाद किसी पीसीआर टेस्ट के बगैर 11वें दिन ऐप पर ग्रीन स्टेटस बहाल हो जाएगा। ऐप के इन्फो पेज के मुताबिक आप 10 दिन तक कतीना करें और ग्रीन स्टेटस के लिए कोर्ट का इंतज़ार करें। ग्रीन कोर्ट 30 दिन के लिए एक्टिव रहेगा लेकिन आपको आइंदा 60 दिन में हर 14 दिन बाद पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात में एक पाकिस्तानी फूड डिलीवरी बॉय की ईमानदारी ऐसा इकदाम के हल तरफ इंटरनेट पर मुल्क की इज्जत अफजाई की। 35 साल पाकिस्तानी फूड डिलीवरी बॉय मंजर अबाद जो 10 सालों से यूएई में ये काम सर अंजाम दे रहा है अपनी ड्यूटी पर था और खाना पहुँचाने निकला था। इसे रास्ते में एक बैग नजर आया। अबाद तो तरबात का राइटर है। शारजा यूनिवर्सिटी सिटी में पिछले हफ्ते आर्डर डिलीवरी के लिए जा रहा था। रास्ते में एक बैग मिला जिसमें सामान था। वह सामान के करीब खड़ा रहा और इसे ये उम्मीद थी कि मालिक सामान लेने लाजमी वापस आएगा। अबाद सामान के साथ इंतज़ार करता रहा। जब कोई नहीं आया तो अब्बास ने बैग की तलाशी ली और इसे सामान में एक 20,000 दरम का चेक मिला जो यूनिवर्सिटी की फीस थी। इसका जब इसे मालूम हुआ कि बैग के मालिक का नंबर भी डॉक्यूमेंट्स में लिखा है तो इसने कार शुरू की। अब्बास का कहना था इन्होंने 10 से 12 कारें की जहां इसे किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने इसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, इसको इतला दी कि इसका बैग इसके पास है। जब रब्ता हुआ तो मिस्री खातून ने इसका शुक्रिया अदा किया और इसकी ईमानदारी पर फख्र किया। जी बाकी डेसर कल्ताना कार्रवाइयों से बाज ना आए। इमराती अफवाज ने ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। मुल्कत अपनी रियासत और अवाम को महफूज रखने के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठा रही है। तफसीरात के मुताबिक यूएई ने 3 ड्रोन्स को दबा किया है जो बुध की सुबह मुल्कत की फजाई हदूद में दाखिल हुए थे। वज़ारत दफा ने ड्रोन दबा करने का ऐलान करते हुए कहा कि ड्रोन मज़ेर को आसानी से आबादी से दूर इलाकों में गिरा दिया गया। वज़ारत ने एक मरतबा फिर वाज़ेह किया कि वह अपनी सरजमीन और आवाम को हर किस्म के हमलों से बचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।